कंटेंट को किंग कहा जाता है। अब कंटेंट को किंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज कंटेंट एक ऐसा टूल है आप लोगों के पास, डिजिटल मार्केटर्स के पास में, जिसका इस्तेमाल करके वो जितना चाहे ट्रैफिक ला सकते हैं। इसीलिए कंटेंट को क्रिएट करते वक्त आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सो दैट कि आपका जो कंटेंट है वो परफेक्ट हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब क्या है ये स्टेप्स, कैसे आपको जो है कंटेंट को क्रिएट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको जो है उसके अंदर कवर अप करने हैं, तो चलिए इसको जो है पूरा डिटेल में समझते हैं और किस तरह से आप कंटेंट को बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ये पूरा मेथड प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए अभी सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पांच मेजर पोर्शंस के अंदर मैंने कंटेंट क्रिएशन को जो है वो डिवाइड करके रखा है। तो ये पांच तरीके हैं, ये पांच स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने होते हैं जिसमें आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट आइडिया की, राइट। अगर सपोज कर लो कि आप किसी भी आइडिया के कोई भी कंटेंट लिखने जा रहे हैं, तो अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह से लिखना है, क्या होना चाहिए, लोग कैसा ट्रेंड कर किस तरह से टाइप कर रहे हैं, किस तरह से सर्च करते हैं, अगर इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता है ना, तो आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब कंटेंट का आइडिया हमें आएगा कैसे। अब से फॉर एग्जांपल अगर मैं चलो अभी अपनी एक एग्जांपल लेता हूं, तो मेरा जो अगर मैं खुद की बॉडी की बात करूं तो मेरा जो शरीर है वो काफी भारी है, तो आई एम फैट। सो आज इसी के और एक आइडिया लेके हम इसी बेस पे क्या करते हैं, एक कंटेंट के आइडिया को क्रिएट करते हैं। बट मैं मोटा हूं, मुझे वेट लूज करना है, तो मुझे कंटेंट लिखना है, बट आई एम नॉट अ गुड राइटर, राइट। मैं एक गुड अच्छा राइटर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कंटेंट को कैसे लिखना चाहिए। अब यहां पर कभी भी आपको कंटेंट के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी है। खिलवाड़ कहने का मतलब है कि आपको कभी भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपका गलत चला जाए। सपोज कर लो कि लोगों को चाहिए कुछ और है, हमने जो कंटेंट लिखा है वो हमारे हिसाब से लिख दिया, राइट। तो लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो यहां पर आपके उस मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको कंटेंट का आइडिया लेना कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और यहां पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं वर्ड की, ठीक है। ये वर्ड की एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहां पर हमने क्या करना है, यहां मैं थोड़ा सा इसको व्यू को बड़ा कर देता हूं, 100% कर देते हैं इसको। सो यहां पर जो है हम लिखने वाले हैं कि हाउ टू लूज वेट, सॉरी हाउ टू लूज वेट, वेट को कैसे लूज करना है, ठीक है ना। सो यहां पर जो है हम हाउ टू लूज वेट, तो अब इसको जो है हमने यहां पे सर्च करना है, कहां पे, गूगल पे चलते हैं और यहां पे हम वही चीज लिखते हैं, हाउ टू लूज वेट, वेट को लूज कैसे करना है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कई सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कई सारी यहां पे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वीडियोस यहां पे देखने को मिलेंगे, फिर यहां पे कुछ आपकी और वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह डले हुए हैं, ठीक है ना। ये काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो इसी वे काम के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमारा अभी टॉपिक है, राइट। अब इस टॉपिक को हमने करना क्या है, अब इसमें से हम दो या चार वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये कर लिया, अब यहाँ पे हाउ टू लूज वेट फास्ट है ना, तो यहाँ पे एक रीजन है हाउ टू लूज वेट फास्ट। अब देखो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हम इस तरह से भी कुछ टॉपिक जनरेट कर सकते हैं, जल्दी आपका वेट लूज कैसे किया जाए, ठीक है। अब यहां पे जो है अगर हम देखें हाउ टू नेचुरली लूज वेट, आपको जो वेट है वो नेचुरली कैसे लूज करना है और वो भी फास्ट, ये एक अलग टॉपिक हो गया। और हम यहां पे देखते हैं कि और हमें आइडिया क्या मिल रहे हैं, 26 वेट लॉस टिप्स, तो यहां पे जो है आप इस तरह का एक कुछ एक टॉपिक सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे हाउ टू लूज वेट एंड कीप इट ऑफ, तो ये हो गया। फिर हाउ टू लूज वेट टॉप 18 सिंपल टिप्स डाइट डॉक्टर, राइट, 10 वेज टू लूज वेट विदाउट डाइटिंग, तो ये काफी सारे ऐसे हमें एक तरीका मिल गया, यानी कि हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें जो है
किस तरह का कंटेंट लिखना चाहिए। अभी तक हमें आइडिया नहीं था कि लिखना क्या है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसको हमें क्या कवर अप करना है, किस वे किस तरफ हमें जो है कंटेंट लिखना है। तो ये एक अंदाजा हमें यहां से लग गया कि हम क्या टॉपिक्स रख सकते हैं, राइट। तो से फॉर एग्जांपल हम यहां पे टॉपिक एक रख लेते हैं कि हाउ टू लूज वेट, या फिर हम इसको कर देते हैं 10 टिप्स, 10 बेस्ट टिप्स टू लूज वेट, 10 बेस्ट टिप्स टू लूज वेट नेचुरली। ठीक है, ये हमने एक टॉपिक बना लिया, ये हमारा क्या बन गया, ये टॉपिक बन गया, ये हेडिंग बन गई। अब इसको इसके अंदर हमें क्या करना है, 10, जैसे हमने यहां पे लिया 10 बेस्ट टिप्स टू लूज वेट नेचुरली। अब ये क्या हो गया, हमारा एक बढ़िया सा टॉपिक बन गया, हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से होना है। तो ये पहला जो स्टेप है वो हमने कवर कर लिया, राइट। ये हमारा स्टेप क्या कर दिया हमने, यहां पे हमने इसको डन कर दिया है, तो इसके सामने डन कर देते हैं कि हमें आइडिया मिल चुका है कि कंटेंट कैसे लिखना है। अब सेकंड जो है वो है आपका कंटेंट क्रिएशन। आपको कंटेंट, अब वही चीज आ जाती है, आइडिया के पहले हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि अगर वेट लूज करना है तो उसके लिए करना क्या चाहिए, कैसा टॉपिक होना चाहिए, वो आइडिया नहीं था, बट अब आइडिया मिल गया हमें, राइट। हमने उसके हिसाब से टॉपिक लिख लिया, लेकिन अब हमें चाहिए कि वो उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, राइट। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको और यहां पे सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको करना क्या है, कैसे करना है। अब जैसे जैसे हमारा जो तरीका है, 3 सिंपल स्टेप्स इसके अंदर हैं, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे 26 वेट लूज टिप्स हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और एक और यहाँ पे ये भी ओपन कर लेते हैं, राइट। ये हमने 3 वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं, एक ये वाली हो गई हमारी और दूसरे हमारे ये वाली वेबसाइट हो गई 26 टिप्स वाली, और एक हमारी ये वाली वेबसाइट होगी, राइट। ये 3 वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन कर ली हैं और इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर ही हम जो है काम करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 18 जो वेट लूज टिप्स हैं इसमें जो है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ईट व्हेन हंग्री, राइट। तो ईट व्हेन हंग्री या फिर इसमें कई सारी और भी टिप्स दी हैं, जो जो आपको लगता है आपको ये रीड करना है, पूरा रीड करके आपको लगता है कि हाँ जो ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए, ऐसे टॉपिक्स आपको लग रहे हैं जो आपके हिसाब से परफेक्ट हैं, राइट। जैसे यहां पे ये लिखा गया है, राइट। अब इसमें आपको करना क्या है, तो यहां पर आपको जो चीजें अच्छी लगी हैं, राइट, वो उन सब चीजों को ईट व्हेन हंग्री, ये एक अलग से एक टॉपिक मिल गया, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जो है पहला टिप बन गया, ईट व्हेन हंग्री। अब इसके अंदर करना क्या है, अब इसमें से, अब यहां से मैं ये कॉपी कर लेता हूं। अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यही सिखा रहे हो, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहां पे जो है आपको पेनल्टी मिल सकती है, डेफिनेटली पेनल्टी मिलेगी। मैं अभी आपको आइडिया बता रहा हूं कि करना क्या है इसके बाद। तो इसी तरह से जैसे हमने ये एक टिप्स लिया है, इसी तरह से आपको दूसरी वेबसाइट पे जाना है, तो यहां पर भी आपको कुछ चीजें जो है, ड्रिंक वाटर स्पेशली बिफोर मील, राइट। तो ये जो है ईट एग फॉर ब्रेकफास्ट, तो इनमें से, और यहाँ पे ड्रिंक ग्रीन टी, तो ये एक अच्छा टॉपिक है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम जो है अपने पॉइंट्स के अंदर ऐड कर देते हैं, ये ड्रिंक ग्रीन टी, तो ये ले लिया। अब इसके अंदर जो है यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं हमने उसको कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है, तो ये हमने कर दिया। अब इसमें से जो हाइपर लिंक्स हैं उनको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना, यहाँ पे रिमूव हाइपर लिंक्स वगैरह जितने भी हाइपर लिंक्स हैं उनको रिमूव कर दें। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप यहाँ पे हाइपर लिंक्स को ऐसे ही रहने दें, तो हाइपर लिंक्स को जो है आपको रिमूव कर देना जहां जहां पे भी आपको मिले। अब आपको इसके बाद करना क्या है, क्योंकि ये जो हमने कॉन्टेंट यहाँ पे लिया है ये तो हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, और कभी भी कॉपी पेस्ट किया हुआ कॉन्टेंट आप अपनी वेबसाइट पर डालने की गलती बिल्कुल ना करें, राइट। तो ये हमने एक, जितने भी हमारे टिप्स चाहिए उतने टिप्स हमें यहां पर अपने हिसाब से लिख लेने हैं, ठीक है, इस तरह से ले लेने हैं। और उसके बाद तो यहां पर आपको करना क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूं कुछ चीजें,
और इसमें हाइपरलिंक है रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर हाइपरलिंक है इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर आई थिंक हाइपरलिंक्स थे तो ये भी हम यहाँ से डिलीट कर देते। जो चीजें हमें नहीं चाहिए हैं उनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले तो यहाँ से हाइपरलिंक्स वगैरह सारी चीजें हम रिमूव कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास कॉन्टेंट हो गया। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड हमें कॉन्टेंट क्रिएशन जो है ये भी हमारा डन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट स्पिनिंग या फिर हम इसको बिल्डिंग कह सकते हैं ना, वैसे बिल्डिंग कोई सही वर्ड नहीं है, स्पिनिंग इज द राइट वर्ड आई वुड से, क्योंकि यहां पे कंटेंट को स्पिन करना यानी कि उसको यहां पे चीजों को सही यूटिलाइज करना, यूनिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिक बनाने के लिए आपको करना क्या है, अब आपको जाना है वापस से गूगल पे और यहां पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, स्मॉल SEO टूल्स, राइट। इस तरह के जो स्पिनिंग टूल्स वगैरह हैं ये आपके फ्री के अंदर भी अवेलेबल हैं, जैसे अभी ये वाला फ्री है आपको मैंने जो दिखा रहा हूं, ऐसे में आपके पेड वाले भी आते हैं। फ्री वालों में हम 100% रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री हैं, तो आपका कंटेंट जो आप स्पिन कर रहे हो, जो आप चीजों को मॉडिफाई कर रहे हो, यूनिक बना रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि ये फ्री वाले के अंदर आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक हो, राइट। लेकिन पेड वाले के अंदर आपको काफी सारी चीजें जो है आपका 85% आप मान सकते हो यूनिक मिल जाएगा, लेकिन फ्री के अंदर जो है ऑलमोस्ट आपको 60-65% ही यूनिक आप बना पाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो वापस से इस पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा स्मॉल SEO टूल को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका वेबसाइट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो हमें क्या करना है, आर्टिकल रीराइटर, राइट, आर्टिकल रीराइटर पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें एक स्पेस दिया जाएगा जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं। बेसिकली ये रीराइटिंग टूल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपका कंटेंट है उसको आपको कॉपी करना है। तो हमारा ये कंटेंट है तो मैं ये एक पहले पैराग्राफ ले लेता हूं और इसको ले जाकर यहां पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करते हैं, ठीक है। हो जा भाई पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये पेस्ट हो चुका है, अब हमने यहां पे इसको स्टार्ट करना है कि चेक कैसे करें, ठीक है ना। यहां पर यह भी एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको रीराइटिंग का काम देंगे। देखो यहां पे क्या होगा, पहले यहां पे पेस्ट आर्टिकल, फिर उस पर प्रोसेसिंग करी जाएगी और फाइनली हमें डन करके दे दिया जाएगा। तो यहां पे जो है अभी ये लोडिंग चल रहा है, इनका कंप्लीट हो जाए एक बार लोडिंग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। तो यहां पर जो है आपको लोडिंग 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 आ रहा है, जल्दी से आ जा। तो थोड़ा सा आई थिंक ये वेबसाइट टाइम ले रही है काम करने के लिए, क्योंकि फ्री टूल है तो फ्री टूल हमेशा आपके लेते ही हैं टाइम, तो इसलिए पेड टूल्स जो हैं वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हैं। तो आपको यहाँ पे रीराइट का करना है, एक मिनट वापस से मैं इसको वापस से हम इसको जो है एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया और अब जो है हम यहाँ पे कॉन्टेंट को पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखते हैं यहां पे हमने पेस्ट कर दिया है और अब आ गया है आपका रीराइट आर्टिकल। रीराइट आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका जो हमने यहां पे जो कंटेंट डाला था उस पे प्रोसेसिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे प्रोसेसिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये प्रोसेसिंग 100% हो गई, राइट। अब इसके बाद जो है यहां पर हमें इसके ऊपर कुछ हाईलाइट करके मिलेगा, ठीक है। अभी हमें हाईलाइट करके मिलेगा कि ये आपका यूनिक है कि नहीं है। तो यहां पे नीचे साइड पे आप देखते हैं इसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में क्या है, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग कलर के ये जो आपके फॉन्ट लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके क्या हैं, चेंज किए गए हैं। तो ओरिजिनल वर्ड क्या था यहां पे, दी मोस्ट था, अब इसको सजेस्टेड क्या कर दिया, फॉरमोस्ट, राइट। अगर आपको लगता है कि ये फॉरमोस्ट जो है वो आपका परफेक्ट वर्ड है तो आप इसको रहने दे सकते हैं। यहां पे इन्होंने क्या करा, आपके आर्टिकल को जो आपका कंटेंट है यहां पे उसको यूनिक बनाने की एक चीज दी। अगर आपको लगता है कि नहीं ओरिजिनल वर्ड ही यहां पे सही है तो आप इसको ओरिजिनल वाले पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। जैसे ये मैंने कर दिया क्लिक तो ये वापस से हो गया। अगर आपको लगता है नहीं यहां पे जो नया वर्ड दिया गया है सजेस्ट करा गया है
तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे यहां पे या कॉफी वाले पे क्या अ लो है ना, और इसमें क्या लिखा है अ कॉफी और ओकेजनल। अब यहां पे आपको जो है थोड़ा सा इंग्लिश भी आनी चाहिए कि आपको यहां पर क्या करना है। अब क्या लिखा हुआ व्हेन स्टार्टिंग अ कॉफी कार्ब डाइट राइट। तो इसमें जो है अगर आपको लगता है कि कॉफी जो है वो सही वर्ड है तो आपको सही लिखना है, अदरवाइज आपको लगता है कि कॉफी यहां पर सही वर्ड नहीं है तो यहां पर आपको क्या करना है जो ओरिजिनल वर्ड है उसी को रख देना है। इसी तरह से आपको क्या करना है जितने भी आपके वर्ड्स वगैरह हैं यहां पे देख सकते हैं स्केयर्ड ऑफ, पहले अफ्रेड ऑफ था तो स्केयर्ड ऑफ जो है ये बिल्कुल सही वर्ड है इसके लिए। यहां पे चेक कर लेते हैं एटलीस्ट था, अ मिनिमम ऑफ ये भी सही लग रहा है, और वन अमंग वन ऑफ या फिर वन अमंग वन इन ऑल, जैसा भी आपको कोई वर्ड अच्छा लगता है वो आप यहां पे चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो है कंटेंट वापस से चेंज हो चुका है। तो इसको जो है हमने यहां पे क्या करना है, अब यहां इसके बाद हमें चेक करना है यहां पर जो कंटेंट हमने बनाया है, अब उसको हमने सिर्फ इतना करने के बाद ही जो हम स्पिनिंग करें इतना ही करने के बाद ये हमारा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ हमने क्या करा अपना जो कंटेंट था उसको एक यूनिक बनाने की कोशिश करी, बट अभी ये चेक करना है कि ये आपका यूनिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको यहां पे चेक प्लैगरिज्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे प्लैगरिज्म पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है ये आपका कंटेंट को चेक करेगा कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है कि नहीं है। तो हमने यहां पे चेक प्लैगरिज्म पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको फ्री टूल्स जो है वो थोड़ा सा आपके अलग काम करते हैं, अभी यहां पे देख सकते हैं ये हमारा उस पे काम कर रहा है, प्लैगरिज्म चेक कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंटेंट अभी लिखा गया है वो किसी वेबसाइट से डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है कि अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो हमें यहां पे बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कंप्लीट 100% चेक हो चुका है, प्लैगरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी कहीं नहीं मिली है और 100% यूनिक मिला है। फिर भी यहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि आप देखते हैं यहां पे लाइन बाय लाइन इसने क्या करा, चेक करके बता दिया कि ये कंटेंट आपका यूनिक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर इस पे 100% रिलाय ना करें, आप मैनुअली भी इन सब चीजों को चेक करें। तो ये हमारा जो है कॉन्टेंट स्पिनिंग वाला जो काम है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है आपका लिटरेचर चेक राइट। आपको ग्रामर चेक करना, जो ग्रामेटिकल जो कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसको कैसे चेक करना है, तो इसमें चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे मैं डन कर देता हूं और आपको बताता हूं इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, बहुत ही आसान सा तरीका है, गूगल पे जाना। चलो इसको रहने देते हैं, हम दूसरे वेबसाइट जहां पे ओपन कर रखे हैं यहां पे गूगल ओपन कर लेते हैं। यहां पे एक बहुत ही फेमस टूल है दैट इज कॉल्ड ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली जो भी आपका ब्राउजर है उसके एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं, आपको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये अगर आप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे चेक ग्रामर कर सकते हैं यहां पे। ठीक है ना, ये आपको काफी सारी जगह पे चेक करने का ऑप्शन देता है कि आपका जो कॉन्टेंट आप लिख रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसके ग्रामरली के जरिए जो है आप आसानी से ग्रामर्स वगैरह जो है चेक कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कोई भी ग्रामर का मिस्टेक्स अगर आपको लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो आपका सही हो सकता है। तो आप देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ रिड्यूस राइट। तो अब आप देखते हैं यहां पे रिड्यूस के नीचे क्या आ गया, रेड लाइन लग के आ गई क्योंकि हमने यहां पे ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन डाल के रखा है। तो यहां पे आप देखते हैं रिड्यूसिंग होना चाहिए राइट। यहां पे ये वाला आर जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, जबकि यहां पे क्या आर स्मॉल है। तो देखो इतना छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी इसने क्या कर लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया कि ग्रामेटिकल हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपको हेल्प मिलती है ग्रामरली एक्सटेंशन के साथ में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये फ्री में आप आसानी से, बहुत मेहनत करके करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसमें जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टेंट का फ्लो। अब फ्लो और उसको एनालाइज करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्लो में आपको कुछ चीजें करनी होती हैं। पहली चीज आपको क्या यहां पे ध्यान रखना होता है, जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसका एक तरीका होता है लिखने का। तरीका क्या है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है कि आपका वो जो कंटेंट है वो बेसिकली है क्या।
आप क्या लिखने चाह रहे हो, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने जो ओपन करे थे इनको जरा देख लेते हैं। तो यहां पर हमने आर्टिकल्स ओपन करे थे, राइट। इसमें आप देख सकते हो ये जो पहला, पहले देखो, द वेट लॉस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ मिथ्स, पीपल आर ऑफन एडवाइज टू डू। ये क्या किया गया है यहाँ पे, ये एक इंट्रोडक्शन दी गई है, अभी तक शुरुआत नहीं करा, ये इंट्रोडक्शन है, राइट। शुरुआत कहां से हुई, यहां से शुरुआत करी गई है। तो पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देनी होती है, ये एक थंब रूल्स है, तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको यहाँ पे करना है डिस्क्राइब। आप जो लिखना चाह रहे हो, आपका जो टॉपिक है उसके बारे में जो आपका कंटेंट है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब के लिए वापस मैं उसी आर्टिकल पे लेके चलता हूं। तो देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर क्या करा गया, एक पॉइंट लिखा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर एक पॉइंट लिखा, फिर उसके बारे में डिटेल दी गई है, फिर एक पॉइंट लिखा, फिर उसके बारे में डिटेल दी गई। तो इसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, डिस्क्राइब करते वक्त हमें जो है तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है, वैल्यू, राइट। जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, वाकई वो जो है, वैल्यू कहने का मतलब है ये आप जो लोग आपके इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं क्या उनके लिए उसमें कोई बेनिफिट है, तो इसका मतलब है आपको वैल्यू एड करनी है। दूसरा आपको इमोशन, इमोशन कहने का मतलब है जैसे कि हम वेट लूज की बात करें तो वो सभी लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं उन सभी को जो है इमोशंस के साथ आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इमोशंस नहीं होंगे तो लोग आपके उस आर्टिकल को रीड करना पसंद नहीं करेंगे, राइट। उनके इमोशंस के साथ क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो बहुत आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम्स को ताकि उनको ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो ये आपका इमोशंस हो गया। इसके बाद जो है आपका तीसरा होता है ट्रस्ट। आपको जो ट्रस्ट जो है आपका जितने भी आपके रीडर्स हैं उनको ये बिलीव होना चाहिए आपके कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको जो बताना है उनको कि आपने जो बताया है वो वाकई वैल्यू है, राइट। इसके बाद ये तीन चीजें जो है हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर डालनी है। इसके बाद आपको डालना है कंक्लूड, ठीक है, कंक्लूड करना है कि आपने जो लिखा है उसका कंक्लूजन है क्या, क्या जो ऊपर दी गई एक्सरसाइज हैं या जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं क्या उससे आपका वेट लूज होगा, और अगर लूज होगा तो कितना टाइम लग सकता है, राइट। एक कंक्लूजन दिया, और उसमें आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि किसी ने अगर वेट लूज किया है, सो एंड सो पर्सन ने इतना टाइम में इतना वेट जो है लूज करा इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके, राइट। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। फिर इसमें फोर्थ आपको देना है बेसिकली यहां पे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कहने का मतलब है कि आप सब कुछ कर दिया, अब बिना किसी काम के हम ये पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं क्या, नहीं। ये जो कंटेंट क्रिएट करने में हम इतनी मेहनत लगा रहे हैं क्या सिर्फ लोगों को जस्ट ऐसे ही बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं। यहां पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन कहने का मतलब है कि हम इस पूरे आर्टिकल को लिखने के पीछे हमारा एक मोटो था बींग अ राइटर कि हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है, राइट। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन के अंदर आप एक रिकमेंड कर सकते हो कि आप ऊपर जो हमने पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल करें वो प्रोडक्ट आप यहां से बाय कर सकते हैं, राइट। हमने उनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो है हमारा जो कंटेंट है वही इस सेल को आपके लिए लेके आने वाला है, कन्वर्जन में कन्वर्ट होने वाला है। इसीलिए हमने ऊपर की जो एक्सरसाइज है वो करी है, तब जाकर जो है हमारा कॉल टू एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने पूरे डिजिटल मार्केटिंग का जो भी हम काम करते हैं, हमारा जो कंटेंट है वही हमारे लिए जो है एक किंग का काम करता है, यानी कि वही एक अल्टीमेट हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो आप भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एड्स,
या फिर सोशल मीडिया बैकलिंक्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।